ऊन में शनिवार को वट सावित्री का पर्व बड़े ही हर्ष के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा करके अपने जीवन साथी के कुशल क्षेम की कामना की। हिंदू धर्म में कई पर्व और त्योहार प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं। इन पर्वों पर लोगों द्वारा पेड़ पौधों एवं प्रकृति से जुड़ी अन्य संसाधनों की पूजा की जाती है, जिनमें वट सावित्री का व्रत भी शामिल है। उनमें शनिवार को महिलाओं द्वारा इस व्रत का निर्वहन किया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा वट के वृक्ष के नीचे इकट्ठा होकर व्रत कथा सुनी गई एवं वट वृक्ष को कच्चा सूत लपेट कर पूजन किया गया। निमाड़ में महिलाओं द्वारा ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र एवं सकुशल कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि महिलाओं द्वारा इस व्रत को करने से उनके जीवन साथी के दीर्घायु होने का वरदान मिलता है। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। किस तरह का व्रत है और ये व्रत क्यों किया जाता है? ये व्रत वट सावित्री पूर्णिमा का है, इस पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो यह साल में कितनी बार आता है? ये साल में एक बार आता है, एक ही बार आता है पूर्णिमा के। तो इस रोज क्या करते हैं आप लोग? वट वट देवता की पूजा की जाती है वट सावित्री के पूर्णिम के। इस व्रत की क्या खासियत है? इस व्रत को पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और शुभकामनाओं के साथ उपवास करती है और आज के दिन पूजा व्रत करके वट की पूजा करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान उनके पति की लंबी आयु प्राप्त करे। क्या नाम है आपका? सपना ठाकुर। आपका नाम? चेतना गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।